नून दिख चित वनि परवाही काली लाल की जय मिनी सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण तो है कारे कारे गोरी गोरी राधे जय राधे कृष्ण राधे। कृष्ण बसे नंद गाँव बरसाने राधे ओ कृष्ण बसे नंद गाँव बरसाने राधे। राजा जनक की नगरी मैथिल नगरी में एक ब्रह्म केतु नाम का व्यक्ति रहता था। ब्रह्म केतु बहुत नामी चोर माना जाता था कि बहुत बड़ा चोर है। अचानक वो पकड़ा गया और राजा जनक के सामने पेश किया गया। तो राजा जनक ने कहा कि भाई तुम बहुत बड़े, देखो चोरी करने की तो एक ही सजा है कि हाथ कटवा दिए जाएं, लेकिन चूंकि आप ब्रह्म केतु यानी ज्ञानी हो, आप वेद पाठी हो, शास्त्रों का आपको ज्ञान है और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, तो सम्मान के स्वरूप हम आपके हाथ तो नहीं कटवाएंगे, लेकिन मैं आपको अपने राज्य से देश निकाला देता हूँ। आप कृपया करके मेरी इस राज्य से बाहर चले जाइए। ब्रह्मकेतु बहुत ज्ञानी पुरुष था, महात्मा था समझ लीजिए। फिर उसने कहा कि ठीक है महाराज, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। राजा जनक बोले ठीक है पूछो। तो उसने सिर्फ ये प्रश्न किया कि आपने कहा कि आपके राज्य से मैं चला जाऊं। उन्होंने कहा हाँ। तो बोले ये राज्य आपका है? बोले हाँ। लेकिन आपका राज्य कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे पिता से मुझे ये राज्य मिला था तो ये मेरा है। ठीक है, आपके पिता को राज्य कहाँ से मिला? तो भाई मेरे पिता को मेरे दादा से मिला था, और आपके दादा से ऑफकोर्स उनके पिताजी से मिला, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य चलता जा रहा है। और ये बताइए कि आपकी मृत्यु के बाद ये राज्य किसका होगा? तो उन्होंने कहा ऑफकोर्स मेरे बेटे का होगा। आपके दादाजी से आपके पिताजी के पास, आपके पिताजी से आपके पास, और आपके बाद आपके पुत्र के पास ये राज्य जाएगा। तो अगर ये राज्य आपके पिता का था तो वो साथ क्यों नहीं ले गए? दादाजी का राज्य था वो क्यों नहीं साथ ले गए? और फिर आप कह रहे हैं कि आपका राज्य है आपके बेटे के पास चला जाएगा, डन? बोले हाँ सही बात है। तो अगर ये राज्य एक से दूसरे के पास चला जा रहा है तो ये आपका कैसे हुआ? राजा जनक ऑफकोर्स आप जानते हैं विदेह थे, ज्ञानी ऑफकोर्स थे, लेकिन कोई भी मनुष्य के रूप में जब रहता है वो इवन चाहे महापुरुष हो, सबके जीवन में कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो ब्रह्म केतु यहीं नहीं रुका, बोला महाराज इसके आगे ये बताइए कि ये जो आपका शरीर है ये किसका है? मेरा है। तो ठीक है, राज्य तो नहीं ले जाएंगे, ये शरीर तो अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि ये तो आपका ही है, राज्य दादा का था पिता का था, नहीं ले जा पाए, शरीर तो आपका है ले जाएंगे। उसने कहा, राजा बोले कि अरे राजा जनक कह रहे कैसी बातें कर रहे हो, कोई भी आज तक शरीर तो क्या एक कण भी यहाँ से नहीं लेके जा सकता है। तो महाराज ना राज्य आपका है ना शरीर आपका है, तो आप किस अधिकार से मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे राज्य से चले जाओ?
गलत समय पे खाते हैं, भोजन को सही समय पे नहीं खाते हैं। जो समय हमारा भोजन का है, सुबह प्रातःकाल 10 बजे के लमसम आप संपूर्ण मात्रा में भोजन कर लीजिएगा, और रात्रि को लमसम दिन छिपने पे सूर्यास्त होता है भाई 7, 7:30, 8 बजे तक, लास्ट 8 बजे तक अपना भोजन कर लो। तो महर्षि बाघभट ये कहते हैं कि शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता, लेकिन हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, बाप रे, समय का कोई पता नहीं। सोने के बारे में बताया कि रात्रि के 10 बजे पहले संपूर्ण निंद्रा में आ जाओ, मतलब अपने बिस्तर को बिस्तर के ऊपर सो जाओ रात के 10 बजे के लमसम। यदि आप 12, 1 बजे सोओगे तो निश्चित रूप से रोगी होगे। जितना लेट सोओगे उतना ही लेट आपके भोजन का पाचन होगा। सुबह आप उठोगे लेट, सूर्य की किरण निकल जाती हैं, सूर्य किरण संपूर्ण जगत में जब उनका प्रभाव होता है तो अपनी क्रिया संचालित कर देती, तो हमारी बड़ी आंत के अंदर जो पड़ा हुआ जो गंध है, मल है, वो मल का जो रस है वो बड़ी आंत उसको वापिस खींचने लग जाती। कब खींचती है? जब सूर्य की किरण पड़ती है संसार पे, तो वापिस उस रस को खींचने लग जाती। वो रस क्या काम करता है? वापिस गंदा रस ब्लड में मिलने लग जाता है और शरीर में गंदगी पैदा हो जाती है, जिससे रोग पैदा होते हैं। तो रोग एक है, उसका कारण भी एक है, उसका निवारण भी एक है। रोग एक क्या है? गंदगी। कारण क्या? गंदगी का रुकना। निवारण, गंदगी को बाहर करना। कोई फंडा नहीं है, बहुत आराम आसान की चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा। यदि हमने इस सिद्धांत को अपना लिया तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में हम रोगी हो ही नहीं सकते। यानी प्रकृति, ईश्वर जो भी कहिए, वो आपका संरक्षण करती है और आपकी सुरक्षा के लिए ही इन सारे सिम्टम्स को बाहर लेती है। तो बीमारियां आती हैं कोई छोटी मोटी शुरुआत की, उससे डरिए मत, उनका वेलकम कीजिए और आकाश तत्व को सामने ला दीजिए। ज्यों ही आकाश तत्व आएगा वो सबको ग्रहण कर लेगा। आप चिमनी का धुआं, केमिकल्स का धुआं, किसका किसका धुआं जा रहा है लेकिन वो छोड़ता नहीं है, तो सोच के फेंकिए आप क्या फेंक रहे हैं, राइट? तो ये पांचों तत्वों की जो बातें हो रही हैं, तो आपको चॉइस आपकी है कि आपको ऊर्ध्वगामी होना है या अधोगामी होना है जीवन में। खास करके तो वो मटेरियलिस्टिक, जैसे बच्चे को पढ़ना होता है, तो अगर वो भोजन पे भोजन त्याग के सिर्फ और सिर्फ फलों पर आ जाए, फलों पर, रस भी नहीं कह रही हूँ, फलों पर आ जाए, तो वो बहुत अच्छे से अपना अध्ययन कर सकता है। तपस्वी लोग, योगी लोग, जिनको जीवन में बहुत अधिक जल्दी उत्थान करना है, वो सब कुछ त्याग दें। वो ठाकुर जी के नाम पर आप लोग जो मिठाइयों का भोग लगा के अपने अंदर ले लेते हैं, ये अपने साथ नहीं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या हर्ज है? इतने वैरायटी के टेस्टी फल बनाए हैं उन्होंने, हर एक में अलग टेस्ट दिया है। वो टेस्ट बड जब आपके खुल रहे हैं तो आपको समझेगा ये तोरी है, ये जुगनी है, ये चुगनी है, ये टिंडे हैं। आप
बिना उसके बता सकते हैं, क्योंकि आपके टेस्ट बड सब खुल गए हैं। तो ऊर्ध्वगामी होना है तो इन तीन तत्वों का प्रयोग कीजिए और बाकी आपकी चॉइस है। बहुत तेज़ी से आपका वजन घटेगा। नमक और चीनी, यानी चीनी मतलब कोई भी मीठा, किसी भी तरह के मीठे से परहेज कीजिए। तो आपका वजन एक हफ्ते में, जैसे आप कई लोगों का 4 किलो 4 दिन में निकला है, राइट, तो एक हफ्ते में कम से कम 5 से 6 किलो वजन घटता ही है। 48 आवर्स अगर आपने अपने शरीर में नमक नहीं डाला, चीनी नहीं डाली, 48 आवर्स 3 से 4 किलो वजन आपका नीचे। आप लोग कुछ जादू नहीं कर रहे, हम कुछ जादू नहीं कर रहे, आपको ना हमने नमक दिया ना हमने आपको मीठा दिया, तो हमने कुछ नहीं किया, आपके शरीर ने उसको उसके हिसाब से रिएक्ट किया है। तो ये आपका आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, जिसने रिस्पॉन्ड किया और उसने उतना पाया।